No hay más. अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो अभी हमने ओनियन रेडी कर दिया है, ये होगी फ्राई और ये जाएगी तड़के में। हमने ग्रीन चिली ली है, यहाँ पे गार्लिक जिंजर पेस्ट भी रेडी है, योगर्ट भी रेडी है और यहाँ पे तेल को भी हमने चढ़ा दिया है और पोटैटो और टमाटो। अभी इधर राइस को धो लेंगे, अभी राइस को धो के फिर रख देंगे ऐसे थोड़ी देर के लिए पानी में। अभी हमारा ऑयल हो गया है तो हम ऑनियन डालेंगे। आज बन रही है स्पेशल, क्या बन रही है? दम बिरयानी। कुत्ते कुत्ते उठ बोलिए, समथिंग स्पेशल है। अभी हम ओनियन डाल दी है और इसको ना हम गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। दिया है इसमें सारा मसाला की पोटली बना के डालेंगे। अब इसमें बोला जाएगा, उसके बाद हम राइस को रख देंगे। उसके बाद हम 80% तक कुक करेंगे राइस को, बाद में निकाल लेंगे। तो अभी मैंने तड़का लगा रही हूँ, अभी मैं ओनियन के तपेले में ही लगा रही हूँ। अभी ये सारी ओनियन हमारी फ्राई हो गई है, फिर ये हमने सारा मसाला डाल दिया है। वो क्या बोलते हैं, एक तेज पत्ता डाला है, लौंग डाला है, फिर इलायची डाली है, जीरा डाला है और इसके बाद ना हमें ये I'm not afraid to die.
करेगा डियाई? अभी ये खर्च लेके आया है, अभी वेस्ट करेगा। और यहाँ पे है गार्लिक जिंजर का पेस्ट, वो सारा मैं इसमें डाल दूंगी और उसको हम पकाएंगे। और हाल है ना, अभी तक फूड कलर रेडी हो रहा है। तो अभी हमने सारे मसाले इसमें डाल दिया है। इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, धनिया डाला है, धनिया पाउडर डाला है, फिर हल्दी डाली है और जीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक, और अभी ये टमाटो भी डाल दिया है। तो अभी टमाटो गल जाए तब तक इसको पकाएंगे हम। तो अभी ज़्यादा इतना रेड दिखेगा क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। तो अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो अभी हमारा ग्रेवी रेडी है। ये मसाला डाला था, ये सारे पक गए हैं अच्छे से। अभी हम चाहेगा प्राउन्स, ये तकरीबन 1 किलो से, 1 किलो से ज्यादा होगा। बैग तो वर्षा द्वारा खेल। तो अभी इसको हम पकाएंगे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे, और ये पक जाएगा। इसके बाद फिर हम इसको दम देंगे, लेकिन पहले ये ब्राउन्स को पकाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमारे पास ये ऑनियन मैंने ज़्यादा बनाई है, तो ये थोड़ी सी मैं अभी इसमें डाल दूँगी इसके ऊपर। अगर आपको नहीं डालना है और लास्ट में डालना है तो भी कोई बात नहीं, आप लास्ट में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और यहाँ पे हमारा राइस रेडी कर दिया है। तो भी ये प्रॉन्स पक जाएगा, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस बताऊंगी। तो फिर हमने इसको ढक्कन ढका लिया है और इसको कम कर लेंगे। और ये प्राउंस में ना थोड़ा सा प्राउंस का प्राउंस में थोड़ा पानी छोड़ दिया है, अभी इसे वो पकाएंगे। और इसमें ना हमने एक पोटैटो भी डाला है, वो शायद अभी गलने वाला ही है। तो अच्छे से पोटैटो भी पक गया है। अभी थोड़ी देर और पकेगा तो फिर आ जाएगा। सो फाइनली अभी यहाँ पे हो गए है ग्रेवी रेडी, राइस भी रेडी है। ये यहाँ पे है, ये फाइनल प्रोसेस है। अभी ये ग्रीन कलर और रेड कलर दोनों रेडी हो गए है। यहाँ पे धनिया है। तो फिर मैं थोड़ी सी ग्रेवी पहले मैं इस बाउल में निकल लूंगी। बहुत अच्छे से दिख रही है। अपनु।
अभी इस तरह मेकिंग ग्रेवी है। अभी हम इसमें दम दे देंगे। इसमें पहले थोड़ी सी ऑनियन डाल दूंगी मैं, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऊपर से मैं डालूंगी। रस डाल दिया है और इसके ऊपर से ऑनियन भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा हम कलर डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दूंगी इस टाइप पे। जो हमने ये ग्रेवी निकाली है इसको फिर से हम सभी जगह पे स्प्रेड कर देंगे। तो अभी हमारी दूसरी लेयर भी ऑलमोस्ट रेडी है। अभी फिर से हमने ये राइस डाल दिया तो ये ऑनियन जाएंगी। तो इसके ऊपर जाएगा धनिया, हरा धनिया डाल देंगे। और फिर से हम डाल देंगे रंग। अभी मैं ले रही हूँ ये ग्रीन कलर और द रेड कलर, ब्लू कलर, सब जगह पे थोड़ा थोड़ा मैं डाल देंगे। ब्लू कलर, रेड कलर, हमारा कलर ज्यादा हो गया है रेडी। अभी ये जाएगा बिन में क्योंकि अब तो ये कुछ काम नहीं आएगा। और ऊपर से अभी जाएगा ये घी। ये थोड़ा ज्यादा डालूंगी। फिर अभी इसको हम ढक देंगे और उसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे। हम इसको कर देंगे और इसके ऊपर ना हम फॉइल लगा देंगे क्योंकि हवा बाहर ना जा पाए। सो ये हमारी फाइनल रेसिपी, फाइनल प्रोसेस वो ख़त्म हो गया है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया है। चलो गुड बाय।